नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से आलू की रेसिपीज मैंने डाली हैं, आप सबने बेहद पसंद करी हैं। आज अचारी आलू की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बार दोबारा से, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से मसाले से लथपथ जो है ये अचारी आलू बने हैं। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएंगे आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो चलिए ये हमने ले लिए छोटे बेबी पोटेटोज। ये साइज के छोटे छोटे पोटेटोज होते हैं, आराम से बाजार में मिल जाते हैं। इन केस आपके पास ये वाले आलू नहीं है, आपको ये बाजार में आलू नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये वाले साइज के भी आलू लेते हैं। चार छोटे मीडियम साइज का आलू है तो चार पीसेस में कट कर लेंगे, और थोड़ा बड़ा साइज का है तो आठ पीसेस में इसको कट करके रेडी कर लेंगे। तो हमारे पास ये छोटे आलू मिल गए मुझे बाजार से, तो मैंने कहा यही आलू इससे बनाते हैं, इससे बहुत बढ़िया बन जाते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर के अंदर इन आलुओं को शिफ्ट कर देंगे और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डाला, मैंने एक ग्लास छोटा वाला जो है मीडियम साइज का वो पानी का डाल के इसको लिड लगा देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो ध्यान रहे कि हमने सिर्फ एक विसल आने तक ही इसको प्रेशर कुक करना है, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देना है इसको और प्रेशर में इसको रहने देंगे। तो एक विसल से ज्यादा पे बिल्कुल भी विसल ना आए, नहीं तो ये ज्यादा गल जाएंगे और फिर आलू जो है हमारे बिल्कुल बेकार करेंगे। तो जितनी देर आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं उतनी देर हम मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये एक सीटी इसमें आ गई है, गैस को हमने बंद कर देना और प्रेशर को जो है नेचुरली रिलीज कर देंगे। तो क्योंकि हम अचारी आलू बना रहे हैं तो इसके लिए हमने जो मसाला अचारी बनाना है उसको बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई मैंने ले ली गैस पे, इसको जला लिया और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले सौंफ। तो सौंफ मैंने इसमें चार चम्मच ले लिए, इसके साथ ही इसमें जाएगी सौंफ हमने जो लेनी है वो मोटी वाली सौंफ हमने लिए, खुशबू वाली सौंफ नहीं लेंगे। इसमें जाएंगे अब पीली सरसों यानी कि पीली राई जिसको कहते हैं, ये जाएगी इसमें चार चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसके साथ ही हम इसमें नॉर्मल राई डाल देंगे जो हम अचार में डालते हैं एक चम्मच। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाएगा इसके अंदर मेथी दाना बिल्कुल हल्का सा डालेंगे, 1/3 स्पून हम इसमें मेथी दाना डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से लगातार हिलाते हुए हमने जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसको लगातार हमने हिलाना है, ध्यान रहे कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, हमने सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि ये मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगा, इसको हम बनाकर रख भी सकते हैं और इससे कई तरीके की हम सब्जियां जो है अचारी सब्जियां बना सकते हैं, जैसे कि अचारी भिंडी, अचारी करेले, अचारी आलू, अचारी बैंगन, जो चाहे आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसको बनाकर इस तरह से रख लीजिए एयरटाइट कंटेनर में और लंबे समय तक ये जो है मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो लीजिए ड्राई रोस्ट ये हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। मसाले जो है हम इसमें डाल देंगे, मसाले ठंडे हो चुके हैं इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है हम दरदरा पीस लेंगे। मसाले हमने पीस लिए, चेक कर लेंगे। तो लीजिए मसाला हमारा पीस के तैयार है, बढ़िया सा मसाला हमारा पीस के और हल्का हल्का हमने जो है इसको इस तरह से दरदरा पीसा है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको पीसेंगे। इसको निकाल लेंगे हम किसी एक बोल में। अब मैं ऐड कर दूंगी इस मसाले के अंदर दही, तो नॉर्मल जो है दही इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा खट्टा वाला हम दही नहीं देंगे। आपके पास अगर खट्टा दही है तो वो भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कप के करीब मैं इसमें जो है दही डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मसालों को, इससे क्या होगा तो मसाले फूल जाएंगे और हमारा जो मसाला है बहुत ही बढ़िया भी बनकर तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करें और ये हमारा बढ़िया सा जो है मसाला बनकर तैयार होता है। इसको इसी तरह से छोड़ देंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के। प्रेशर हमारा नेचुरली जो है रिलीज हो चुका है, अब इसको निकाल के चेक कर लेते हैं अपने आप को, और कोई भी नाइफ ले लेंगे और नाइफ से जो है हम इसको या फिर कोई भी फोक ले लेंगे और इस तरह से प्लिक करके चेक कर लेंगे और आप देख सकते हो कि हल्के हल्के जो है ये जा रहे हैं, मतलब हल्के सॉफ्ट ये हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है छिलका रिमूव कर लेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें एक ही विसल लगाई है तो आप नाइफ की हेल्प से भी इस तरह से जो है आलू का छिलका निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से हम इसको निकाल पा रहे हैं। ये देखिए और लीजिए सारे आलू के छिलके हमने जो है निकाल लिए और ये देखिए आलू हो गए हमारे तैयार। जो हमने मसाले पीसे थे वही वाला जार ले लेंगे और उसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक। तो ये मैंने अदरक लिया है और अदरक काट कर जो है मैं इसमें डाल दूँगी, तो 1 इंच का टुकड़ा जो है मैं अदरक का ले लूँगी और अदरक हमने इसमें डाल देना है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, धोकर जो है हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और 3 हरी मिर्चें जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। इसको जो है हमने इस तरह से पीस लेना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको पीस लिया, बिना पानी डाले हमने इसको पीसा, तो ये इस तरह से जो है दरदरा सा ये बड़ा बढ़िया सा पीस के तैयार हो गया। इनकेस आप इस तरह से नहीं पीसना चाहते हो तो आप बारीक बारीक जो है अदरक कट कर सकते हो या फिर अदरक को ग्रेट कर सकते हो और हरी मिर्चों को चॉप कर सकते हो। तो आपकी जैसी आपकी मर्जी हो, उस हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट हो आप कर दीजिए। मैंने जो इस तरह से कर लिया, बहुत ही बढ़िया जो है इस तरह से पीस करिए तैयार हो गया। तो ध्यान रहे जब भी आप इसको पीसे बिना पानी के पीसे। अब क्योंकि हम अचारी आलू बनाने जा रहे हैं तो हम लेंगे बनाएंगे इसको सरसों के तेल में। तो मैं जो है इसमें एक बड़ा चम्मच जो है मैं इसमें सरसों के तेल का डाल दूंगी, इसको हल्का हल्का हम गर्म कर लेंगे। अब सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, हल्का हल्का इसमें से धुआं भी निकलना शुरू हो गया और इस स्टेज पर अब हम डाल देंगे इसमें अपने आलू। तो आलू हम इसमें डाल देंगे और इसको जो है हम अच्छे से सर्व फ्राई कर लेंगे।
हल्के से तब तक हमने इसको हिलाते रहना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो, तभी से बनती है। और आज हम इसको जो बना रहे हैं ना, बिना प्याज के और बिना लहसुन के इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अचार नहीं है लेकिन अचार वाले आलू है, क्योंकि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आलू का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन ये होने लग गए हैं, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। अभी जो हमने अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तो मिक्स कर लेंगे और इसको इसके साथ ही भून लेंगे। बहुत बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा। प्याज को हल्का कर लेंगे और इसको भून लेंगे। तो लीजिए 2 मिनट तक हमने इन आलुओं को अदरक और हरी मिर्च के साथ जो है भून लिया है, और अच्छे से इसका कच्चा बन जा चुका है अदरक और हरी मिर्ची का। अब जाएगा इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था ना, वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि सारा मसाला निकाल दें और उसके डाल दें, मिक्स कर लेते हैं। नमक, तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हो। मैं जो इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दूँगा। इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर काला नमक या चाट मसाला, तो 1/3 स्पून मैं ये डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 स्पून इसमें लाल देगी मिर्च, और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। हल्के फ्लेम में हमने इसको इस तरह से ढककर जो है पका लेना, ये बिल्कुल हल्का रखेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी मैं इसमें, तकरीबन 1/3 कप के करीब, और इसको जो है अच्छे से हिलाकर हम जो इसको पका लेंगे। आलू हमारे पक चुके हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अच्छे से इसको भी मिला लेते हैं और आप देख सकते हो इसकी रंगत कितनी बढ़िया आई है। तो आप देख सकते हो हमारे आलू बन चुके हैं, साइड से मसाले में से जो है घी भी निकल चुका है। इस चीज पे मैं इसमें डालूंगी 1/3 स्पून हींग का। आप चाहें तो मसाले को एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो मसाला, आप चाहें तो इसमें कम भी डाल सकते हो। इसके साथ ही मैं लास्ट में इसमें डालूंगी आम के अचार का जो तेल होता है ना, वो डालूंगी मैं इसमें, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें आम का अचार भी डाल देंगे और बढ़िया इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखिए ये तैयार हो गया बनके, और इसके साथ ही इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा अपना हरा धनिया, और ये मजेदार हमारे अचारिया आलू बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम सर्व करेंगे, आप देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो इसको हम सर्व करते हैं। तो लीजिए बिना लहसुन के बिना प्याज के हमारे जो है ये अचारी आलू बनकर तैयार हो गए हैं, और आप देख सकते हो मसाले से लथपथ हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे, बहुत ही आसान है बनाने। और इसको गार्निश कर देंगे हल्के से धनिये की पत्तियों के साथ, और ये मज़ेदार से आलू तैयार हो गए। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, चटपटे मज़ेदार से ये अचारी आलू हैं, आपको बेहद पसंद आएंगे। चपाती के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाइए आपको मज़ा आ जाएगा। तो उसको जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।